आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। एवरीवन, क्वेश्चन गिवन है सेलुलर रेस्पिरेशन इज ऑफ टू टाइप्स, एरोबिक एंड एनारोबिक। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एरोबिक रेस्पिरेशन इज इनकरेक्ट, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत होगा। यहाँ पे बात हो रही है सेल्युलर रेस्पिरेशन की, ठीक है। तो अगर हम बात करें सेल्युलर रेस्पिरेशन, तो ठीक है, सेल्युलर रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या है ना, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और वो कितने टाइप का होता है, दो टाइप का। सबसे पहले तो होगा वो एरोबिक, कैसा होगा, एरोबिक, और दूसरा कैसा रहता है, एनारोबिक। यानी अगर इनका बेसिक डिफरेंस देखें तो वो क्या है, एरोबिक में क्या होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती, क्या होती है, ऑक्सीजन जो है एरोबिक रेस्पिरेशन में प्रेजेंट है, यानी ब्रेकडाउन किसकी प्रेजेंस में होगा, ऑक्सीजन की। वही एनारोबिक की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन एब्सेंट होती है, क्या होती है, ऑक्सीजन एब्सेंट होगी, ठीक है। तो अगर हमें बताना है कि एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो अगर हम बात करें इट इन्वॉल्व्स ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, एरोबिक रेस्पिरेशन की अगर एक हम देखें इक्वेशन, तो इसमें क्या हो रहा है, जो ग्लूकोज है वो किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, और क्या फॉर्म कर रहा है, एनर्जी यानी एटीपी बना रहा है, साथ साथ में CO2 बन रही है, और क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल यानी H2O भी बन रहा है, ठीक है। यानी ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज हो रहा है। इट डजंट इन्वॉल्व प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, एल्कोहल नहीं बन रहा है। एल्कोहल की बात करें तो वो कब बनता है, एनारोबिक में। एनारोबिक में क्या प्रोसेस होगी, एक इक्वेशन देखते हैं, दैट इज C6H12O6, यानी हमारा जो ग्लूकोज है वो क्या करेगा, ऑक्सीजन की एब्सेंट में क्या बना रहा है, C2H5OH, यानी क्या बन रहा है यहाँ पे, एल्कोहल, क्या बन रहा है, एल्कोहल, और क्या हो रही है, CO2 भी बन रही है, क्या हो रही है, CO2 भी बन रही है, ठीक है। तो हमें यही देखना था, इट डजेंट इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, ठीक है। देन इट डजेंट रिक्वायर ऑक्सीजन टू कैरी आउट द रिएक्शन, यानी ये बोल रहा है कि एरोबिक में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, तो ये स्टेटमेंट बेसिकली क्या हो जाएगा, हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने देखा कि जो एरोबिक रेस्पायरेशन है उसके लिए क्या जरूरत है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही क्या हो रहा है, एनर्जी बन रही है। इट रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड इज बाय प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो हमें ये बताना था एरोबिक के लिए कौन सा गलत स्टेटमेंट है, तो वो होगा इट डजंट रिक्वायर्ड ऑक्सीजन टू कैरी आउट द रिएक्शन, यानी ये ही क्या होगा, बेसिकली हमारा आंसर होगा, क्या होगा, आंसर होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।